टू माई चैनल सो आज की जो मेकअप लुक है इट्स फॉर ईद मेकअप लुक और इट्स समथिंग लाइक दिस जो कि बहुत ग्लोई सा ऐसा मेकअप है जो किसी भी कलर के ड्रेस के साथ चल जाएगा एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक तो सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो, तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं आप लोग को जरूर रिप्लाई दूँगी और आप चलते हैं वीडियो की तरफ सो आई एम स्टार्टिंग मैम मेकअप विद आ जेल प्राइमर जो कि है क्लेजोना का विटामिन सी इंस्टेंट स्मूथ प्राइमर और अकॉर्डिंग टू द प्राइमर इट लास्ट द मेकअप लॉन्ग और इट लाइक हाइड्रेट्स योर स्किन तो इसको फर्स्ट ऑफ फर ऑल लगा लिया फेस पे पाँच मिनट के लिए छोड़ दिया उसके बाद मैंने लिए है काशीज़ की फाउंडेशन और मैं आपको शेड भी बताती जाऊँ इसका शेड है जीरो सॉरी एक्सक्लूसिव टेन इसका नंबर है फाउंडेशन का इट्स अ लिटल डार्क फाउंडेशन लेकिन ठीक है तो आप जब थोड़ा लाइट कंसीलर लगाते हो तो बिल्कुल ठीक हो जाती है लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि दिस फाउंडेशन इज़ द डार्केस्ट शेड इन काशीज़ की सारी फाउंडेशन लाइन इसकी कवरेज इज सेम एज़ हुदा ब्यूटी अगर आप ड्यूब ढूंढ रहे हो उसका कोई तो या तो इसकी तरफ जाएं या आप मुसरत मिसबा की तरफ जाएं फाउंडेशन को एक पंप लिया और आप देख सकते हैं कि वो पूरे फेस पे और नेक पे इतनी अच्छी तरह से लग गए फिर मैंने लिया मिसरोज़ का कंसीलर जो कि है बेज टू शेड और ये भी थोड़ा येलोइश सा है लेकिन एट द एंड मेकअप लुक जो है वो बिल्कुल ठीक आएगी अगर मैं आप ये लगा रहे हैं फाउंडेशन शेड भी यही लगा रहे हैं तो आई सजेस्ट यू कि थोड़ा लाइटर कंसीलर लगाएं खैर एज़ यूजुअल पहले मैंने इसको थोड़ा सा फिंगर से ब्लेंड कर लिया अंडर आई के नीचे इससे ये होता है कि थोड़ी देर के छोड़ दो ना तो उसकी कवरेज बहुत अच्छी हो जाती है आप ज़रूर ये ट्राई करके देखिएगा अब वो मैंने हाफ ब्लेंड वाला कंसीलर वैसे ही छोड़ दिया है अब यहाँ पर मैं आई बना रही हूँ आईब्रोज़ कितना मैं हैवी बिल्कुल नहीं बनाती आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना इनको नॉर्मल नेचुरल रखने की कोशिश करूँ उतना रखूँ खैर यहाँ पे आईब्रोज मेरे बन गए हैं और अब मैं ब्यूटीफाइबर आमना के ब्यूटी ब्लेंडर से जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ अपने कंसीलर को सारा अच्छे से कंसीलर ब्लेंड करने के बाद जी विल मूव टूअर्ड्स दी ब्लश ब्लश के लिए आ, वैसे ही मैंने ना वो लिप बाम नहीं होती कलर वाली लिप बाम मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं क्योंकि मुझे इसी कलर का ब्लश चाहिए था तो वो कलर्ड लिप बाम मैंने लगाई वो तो कोई ब्रांड की नहीं है वो सिंपली कहीं पे भी मिल जाती है उसको चिक्स और नोज पे लगा लिया उसके बाद फिंगर से ब्लेंड करके थोड़ा सा यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा आने के लिए ना एक ल्यूमिनेटर हाईलाइटर ले लिया आप आइकॉनिक का ले सकते हैं निक्स का ले सकते हैं बहुत लिक्विड हाइलाइटर्स मार्केट में मिलते हैं और ये भी मैंने वैसे ही मार्केट में एक शॉप पे था 400 500 का वो मैंने ले लिया था और ये मैं पहली दफ़ा ही ट्राई कर रही थी लूँगी मैं सब बेशक मैं उसको यूज़ करूँ ना करूँ चाहिए मुझे सब होता है यहाँ पे मैं क्लेजोना का फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ आपने इसको डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाना है एक्सेस आपने अपने हैंड से रूमूव कर लेना है इससे होगा कि केक की मेकअप नहीं होगा और जितना आपका पाउडर की आपको जरूरत है ना उतना ही लगेगा अब तो आ गई है गर्मियाँ तो अच्छा पाउडर लगेगा तो फेस सेट होगा बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन एक नॉर्मल अमाउंट हो कि आपका फेस जो है आपकी फाउंडेशन जो है वो सेट हो जाए स्वेटिंग से आपका मेकअप खराब ना हो तो अच्छे से पाउडर से फुल फेस सेट कर लेंगे हम उसके बाद आई विल मूव टूवर्ड्स द ब्लश अगेन ब्लश यहाँ पे मैं पाउडर ब्लश यूज़ कर रही हूँ रिवाज का इसका शेड वीडियो के दौरान ही बताती जाऊँ क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं और इसका शेड है टू थ्री एट फाइव ब्लश का यहाँ पे मैंने एक पैलेट लिया आई शेड पैलेट जो कि ड्यूब है मरकरी रेट्रोग्रेड हुदा का आई डू हैव ओरिजिनल वन लेकिन यहाँ पे मेरे सामने ये थी विच इज़ ऑल्सो रियली गुड इसमें से मैंने एक ब्राउन पिंक सा शेड लिया उसको पूरी आईलेट पे लगा लिया और आउटर कॉर्नर डीपन करने के लिए थोड़ा सा एक डार्क ब्राउन शेड जो है वो थोड़ा थोड़ा लगा लिया इतना फैंसी आई मेकअप नहीं है सॉफ्ट सा ही रखेंगे ताकि ओवरऑल लुक जो है वो सॉफ्ट क्लोई मेकअप की ही आए फिर मैंने एक रोज़ गोल्ड सा ग्लिटर शेड लिया एंड आई टेल यू गाइज अगर आप पिगमेंट चाहते हैं ना अपने आई शेड का पिगमेंट चाहते हैं स्पेशली द ग्लिटर वंस आप उसको फिंगर से अप्लाई करें फिंगर से मैंने सारा ग्लिटर शेडो लगा लिया रोज गोल्ड वाला अपने इनर आई पे एंड उसी से मैं ब्लेंड करी हूँ फिंगर से ही उसके बाद आई मूव टूअर्ड्स दी लाइनर जो कि मैं ब्राउन आई शेडो के साथ लगाऊंगी क्रिस्टीन की पैलेट है कंटोर uh, पैलेट है और इसमें जो है दो शेड्स हैं एक डार्क ब्राउन और एक लाइट ब्राउन इस डार्क ब्राउन से जो है वो मैं लगा रही हूँ आउटर विंग बहुत स्मूथ और सॉफ्ट आई लुक आती है इससे और कितना अच्छा लगता है इसको तो मैं क्लैम मेकअप ना भी कर रही हूँ तो आई डू दिस डेली इन माई मेकअप एक एंगुलर ब्रश लेंगे ना तो उससे बहुत स्मूथली आपका आउटर विंग लग जाएगा इस और मिस क्रिस्टीन के पैलेट पे कोई शेड ही नहीं लिखा कि मैं आपको बताऊं कि कौन से नंबर का कंटोर पैलेट है लेकिन आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी एक लाइट ब्राउन और एक डार्क ब्राउन होता है अब जो लाइट ब्राउन है उससे मैं थोड़ा सा जो है आउटर सॉरी लोअर लैश लाइन पर लगा रही हूँ ब्राउन आई शेडो यहाँ पे मैंने लिया है एक हाइलाइटर लाइटर विच इज़ अ क्रीम हाइलाइटर और ये भी एक हाइलाइटर पॉट है जो मैंने मार्केट से लिया है क्रीम हाइलाइटर या क्रीम शेडर्स पड़े होते हैं उन्हीं में से यू विल चूज़ ये है गोल्डन सिल्वर सा मिक्स और इसको अब मैं लगा रही हूँ अपने आईब्रो पे और इनर आई इस पे इससे होता है कि अच्छी आपका ओवरऑल लुक आती है आई मेकअप की अब यहाँ पे लैश को हम करें कर और लैश कलर ग्रैम ग्लैमरस का है सॉरी ग्लैमरस का है उसके बाद मैंने लगाया का मस्कारा और जो ये सेंस का मस्कारा इट इज इट इज़ रियली रियली गुड ये है गेट बिक लैश वॉल्यूम कर मस्कारा लैश लिफ्टिंग एंड उसके बाद मैं लगाऊंगी एज यूजुअल अपना सेकंड फेवरेट विच इज़ मे बिलीन का इस वॉयस में मैं डिटेल बताऊँगी प्रोडक्ट्स के बारे में ताकि मुझे शिकायत ना आए कॉमेंट्स में क्या प्रोडक्ट्स की डिटेल नहीं देती हैं जब क्या वेस्ट के मैं हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताऊँ अच्छे से लैशेस पे लगा लेंगे हम मस्कारा ताकि ओवर यहाँ पे मैंने कुत्ता नहीं क्या किया है मैं भूल गई कि मैं ट्रांजेक्शन बनानी थी खैर फिर अगेन मैंने लिया है पॉट वाला हाइलाइटर जो कि गोल्डन सिल्वर मिक्स है उसको अपने चिक्स पे लगा रही हूँ नोस पे लगा रही हूँ हर जगह हाई तो जितना होना उतना ही कम है और इसका बहुत अच्छा पिगमेंट था आई डू यूज डीज मेरे खत्म हुए हुए तो मैंने एक और बाय कर दिया आप जाएंगे किसी भी बाज़ार में शॉप पे मेकअप की तो वहाँ पे आपको क्रीम शेड दिखते हैं उसी में से कोई भी जो शेड आपको हाइलाइटर के लिए अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं फिर यहाँ पे मैंने ऊपर से एक और कोड दे दिया हाइलाइटर का है जो कि क्रिस्टीन का हाईलाइटर इसका शेड है सी एन ए टू सेवन बिल्कुल अपना मेकअप बैग अपने साथ लेकर बैठी हुई कि सब शेड में बताऊँ और देख लें फुल फेस पे मैंने लगा लिया हाइलाइटर अब यहाँ पे बारी आती है लिप लाइनर की लिप लाइन के लिए ये कोई ब्रांड नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि ये इस पर लिखा गया हुआ है कि ब्राउन कलर का लिप लाइनर है इससे लिप को हम करेंगे लाइन ये है गोश का मैट कलर लिपस्टिक और नंबर है फोर ज़ीरो एट मे भी कोई ब्रांड हो भी सही मुझे याद नहीं मैं लिया कहाँ से था इससे अच्छी तरह लिप लाइन कर लेंगे अब लिपस्टिक में तो मैंने कोई तीन चार तो मैंने लिपस्टिक लगाई थी यहाँ पे क्योंकि मैं चाह रही थी कि मेरी ब्राउन पिंक सॉरी पिंक आइज और ब्राउन लिप्स हो जो कि मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था जिसमें लेकिन मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ क्लेजोना का लिप शेड और इसका नंबर मैं आपको बताऊँ तो इसका नंबर है ट्वेंटी थ्री इसका ये वैसे बहुत प्यारा कलर है लिपस्टिक का अगर आप किसी और मेकअप लुक के साथ भी करना चाहें तो ब्राउन न्यूट सा है फिर मैंने एक और लिपस्टिक लगाई जो कि है फॉक्यूलर की और इसका शेड है वन ज़ीरो फोर एंड मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था उस लिपस्टिक से तो मैंने थोड़ा सा पिंक भी ऐड करने के लिए जो है मैंने वो निक्स की लगा दी है कैंस शेड अब मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोग भी जब तक दो तीन लिपस्टिक्स मिस मिक्स नहीं करते तो आप लोगों को सही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि मैं ही ऐसी ही हूँ मुझे लगता है सब लड़कियाँ ऐसे ही करती हैं यहाँ पर मैंने ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस लगा दिया एंड दिस वॉज इट इतना सिंपल इतना इजी अगर आपको मेकअप नहीं भी आता ना आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगी ना तो देखना फाइनल रिजल्ट सेकेंड टाइम में ऐसा आ ही जाएगा क्योंकि इसमें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं था इट वज सो ईज़ी और मैं चुप करती हूँ बोलना ताकि वीडियो वाली मसूमों को ले चैनल को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए